So hi guys, this is Akash once again coming up with a new and interesting topic. और आज का टॉपिक सही में बहुत इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में IPM एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं. तो आज का टॉपिक है ऑल अबाउट IPM 2025. So stay tuned till the end क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर करिए. सबसे पहली चीज आपको वही करनी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि IPM की कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वही करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में बात करेंगे कि IPM स्पेसिफिक कोर्स स्ट्रीम न्यूट्रल है. हाँ, तो सबसे बेस्ट चीज इस कोर्स की यही है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स IPM का कोर्स कर सकता है. अगर हम बात करें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती है कि 12th के बाद डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना मन पसंद IIM. जी हाँ, ये सच है. 12th के बाद डायरेक्टली आप IIM जा सकते हैं. स्पेसिफिकली आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे IPMAT इंदौर IPMAT रोहतक या JIPMAT. उसके बारे में हम स्पेसिफिक आगे बात करेंगे अभी. तो ऐसे स्पेसिफिक 10 कॉलेजेस जो आपको IPMAT इंदौर देने से मिलते हैं. सो पहला टॉप नॉच जो यहां पे हम देख सकते हैं IIM इंदौर फर्स्ट जो आपको मिलेगा IPMAT इंदौर देने से. सेकेंड हो गया IIM रांची. थर्ड IIFT. फोर्थ इज तापनी. फिफ्थ इज नालसार. सिक्स्थ इज NFSU. सेवेंथ की अगर बात करूं तो दैट इज निर्मा. यहां पे आप देख सकते हैं एट्थ हो गया अलायंस यूनिवर्सिटी. निकमा रिसेंटली एडेड एंड लास्ट इज मास्टर्स यूनियन. तो ये कॉलेजेस कब स्टार्ट हुए थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबको पता होना चाहिए. जैसे IIM इंदौर ने अपना IPM प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2011 में. IIM रोहतक की अगर बात करूं तो 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया. IIM रांची की IIM बोध गया और IIM जम्मू की अगर बात करूं तो उन्होंने 2021 में अपना IPM प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टार्ट किया था. एक और इंपॉर्टेंट चीज टोटल सीट्स, उस पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्योंकि यहां पे आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उसमें टोटल सीट्स है कितनी और कितना कंपटीशन है. तो अगर हम देखें तो यहां पे 150 सीट्स IIM इंदौर में है. रोहतक में देखें 180 सीट्स मिल रही है. IIM जम्मू में हम यहां देखें तो 120, बोधगया में 120 और IIM रांची में 120. तो यहां पे तीन स्पेसिफिक ऐसे IIMs जिनने अपनी सीट्स बढ़ा के 120 कर दी हैं. तो वो तीन IIMs ये हैं. एंड लास्टली IIFT में स्पेसिफिक आपको 40 सीट्स मिलती हैं. तो जैसे हम बात कर रहे थे IPMAT इंदौर की, वहां से 10 कॉलेजेस मिलते हैं. यहां पे अगर आप IPMAT रोहतक देते हैं तो स्पेसिफिक आपको क्या मिलेगा, IIM रोहतक. अगर हम बात करें JIPMAT की तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, IIM जम्मू एंड IIM बोध गया. ये दो स्पेसिफिक एग्जाम्स जिनसे आपको ये वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे. उसी के साथ साथ सारे IPM प्रोग्राम्स अगर मैं बात करूं यहां पे टॉप नॉच ए ग्रेड कॉलेजेस की IIMs की बारे में अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो यहां पे आपको फैंटास्टिक इंटर्नशिप्स मिलेंगी एज वेल एज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी आपको ऑफर किया जाता है. उसी के साथ अब मेन चीज पे बात करते हैं, फोकस करते हैं. अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है. IPMAT इंदौर जो टॉप नॉच कॉलेज है IIM इंदौर, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है तो उसके बारे में बात करेंगे. स्पेसिफिकली यहाँ पे दो सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दो सेक्शंस में डिवाइड है, QA शॉर्ट आंसर्स और QA MCQ. तो कितने मिनट्स का टोटल रहता है पहले तो वो देखेंगे. 40 मिनट का एक सेक्शन QA शॉर्ट आंसर्स, 40 मिनट का यहां पे दूसरा सेक्शन MCQ सेक्शन QA. लास्टली वर्बल एबिलिटी 40 मिनट्स का. तो टोटल 120 मिनट 120 मिनट्स का आपको ये टोटल एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें कि आपको +4 और -1 की मार्किंग होती है. अगर हम वेटेज की बात भी कर लें साइड बाय साइड तो यहां पे 65% वेटेज है एग्जाम का और 35% वेटेज है इंटरव्यू का. हाँ, आपको अपना एग्जामिनेशन
कंप्लीट करने के बाद एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू, उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पे होता है। सो गाइस अब बात करते हैं आईपीमैट रोहतक एग्जाम पैटर्न की। आईपीमैट रोहतक अगर आप देते हैं तो आपको मिलता है आईएम रोहतक। इसमें तीन सेक्शंस बेसिकली होते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो तीन सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे पहला। दूसरा आपको दिखेगा वर्बल एबिलिटी, तीसरा आपको दिखेगा लॉजिकल रीजनिंग। जैसा हमने आईपैट इंदौर में देखा वहां पे दो सेक्शन थे, यहाँ पे तीन सेक्शन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 40 क्वेश्चन ईच, 120 मिनट का टोटल पेपर, प्लस 4 माइनस 1 अगेन यहाँ पे रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 45% टेस्ट का वो लोग वेटेज देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू का 15, और 40% 10th एंड 12th का वेटेज दिया जाता है, जिसमें 20% 10th एंड 20% 12th का यहां पे स्पेसिफिक लिया जाएगा। इसी के साथ हम बात करें जिपमैट की। जिपमैट में भी सेम पैटर्न रहता है, तीन सेक्शन अगेन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, LRDR। अब स्टूडेंट से पूछे LRDR क्या है। LRDR इज सिमिलर टू, जैसे हमने अभी वहां पे देखा रोहतक में देखा, इज द सिमिलर पैटर्न जो बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग को। तो टोटल क्वेश्चंस यहां पे कितने आने वाले हैं? 33 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में, 34 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में, 33 क्वेश्चंस LRDI में। 150 मिनट्स का टोटल पेपर यहां पे आपको मिलता है, टाइमिंग्स आपको मिलती हैं, और प्लस 4 माइनस 1 तो है ही। और यहां पे मेन चीज ये है कि आपका 10th एंड 12th का वेटेज नहीं लिया जा रहा है, जेंडर डाइवर्सिटी आपको यहां पे मिलती है, प्लस 100% एग्जाम का पैटर्न लिया जाता है, तो आपका वेटेज 100% है यहां पे एग्जाम के लिए। इसके बाद हम बात करें और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हम एवरेज प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं पिछले साल की जो लिस्ट निकली थी। तो अब बात करें टॉप 25.1 LPA IIM इंदौर टॉप पे है, उसके नीचे IIFT 25.16 LPA, IIM रोहतक अगर हम देखें तो 18.73 LPA, उसके नीचे रांची विद 16.17 LPA, IIM जम्मू विद 12.56 LPA, एंड लास्ट में हम देखें तो 12.36 LPA। तो जम्मू और बोधगया ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे हैं। यहां पे हम देखें तो IIFT और इंदौर ऑलमोस्ट बराबर पे है ऑलमोस्ट, लेकिन हम ये एवरेज प्लेसमेंट देख रहे हैं। टॉप पे देखें तो 1.14 CR का प्लेसमेंट भी इंदौर के लिए देखा गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप 2025 IPM प्रोग्राम के लिए रेडी हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट्स कितने हैं, कौन सा स्पेसिफिक कॉलेज टॉप नॉच है, और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, एग्जाम पैटर्न बीइंग ऑन द मेन प्रायोरिटी साइड। So guys, that was all from my end. I hope आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। Bye bye.